माइक बोलो, कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से? मुंबई में क्या करते हो? काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन। क्या पूछने आए हो? वो मेरे पुत्र होते हैं तो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे होते हैं तो खत्म हो। इलाज नहीं कराया आपने? कराया है? कराया। चलिए, हमने लिखा सुने, स्त्री को बालक होगा, 3 गर्भपात हो चुके हैं, बालक होगा, लड़का 6 दिन का होकर के अभी कुछ समय पहले मरा है। नवंबर 23 तारीख को हुआ था, 29 तारीख को मर गया। 23 को मरा ना? 23 को हुआ, 29 को मर गया। 23 को हुआ, 29 को मर गया। लेकिन भैया हमने तारीख तो नहीं लिखी, इतनी हमारी गलती है, लेकिन नवंबर जी लिखा। सही बात है। देख लो भैया, दिख रहा है आपको? दूसरे को ये 2021 को नवंबर में हुआ, नवंबर खत्म हुआ, लेकिन संख्या लिखी 6 तारीख, 6 दिन, मतलब 6 दिन बाद। हाँ, 23 को हुआ, 29 को खत्म हो गया। तारीख नहीं लिखी। भैया जुनून रहता है, कहां से समाचार जारी हो रहा है लिखना है, रिपोर्टर द्वारा नहीं बोलता तो मैं क्या करूं? अब रिपोर्टर माने हनुमान जी पंडोकर सरकार के वीरगण, दूतगण। अब देखना सुरेश भैया जी, दोनों मंत्र है। वीर होते हैं वो मारने कूटने वाले, बंधन करने वाले दूत होते हैं, और वो होते हैं वीर, और दूत वो होते हैं जो खबर ले आते हैं, रिपोर्ट। तो दूत और वीर में अंतर है। रिपोर्टर को लड़ने नहीं भेजा जाता, तो रिपोर्टर करने वाले व्यक्ति ने जो रिपोर्टिंग दी है वो इतनी फास्टिंग दी है कि यहां सर्वर नहीं आ रहा था, तो नवंबर लिख के 2021 में 6 दिन रह के सीताराम। सही बात। लेकिन सारांश मिल गया कि नहीं? बोलिए भैया, यदि नवंबर के अक्टूबर लिखा होता, दिसंबर लिखा होता तो नाक कट जाती, लेकिन नवंबर ने बचा लिया। किसने बचा लिया? और 6 दिन, क्या बात है। आइए, शीघ्र ही हनुमान जी कृपा से मीरा देवी को पुत्र होगा, आशीर्वाद। क्या नाम पत्नी का? मीरा देवी। इसने भी बचा लिया। साथ ही सुनिए, यहां तक कि आपकी भाई की स्त्री को भी लड़का नहीं है, बोलो। हाँ हाँ, सही बात। और आपको भी बच्चा नहीं है, दोनों को लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। और तुम्हारे घर में एक ऐसा एक पितर हुआ है जो ब्रह्म लोक का है, और यहां गंधर्व है, वो तुम्हारे घर में धन उखाड़ने के चक्कर में सन 1974 में उस नांग को मारा गया। फिर वही एक नांग को सन 1868 में मारा गया। फिर वही नांग को 1556 में मारा गया, और वही नांग को अभी आप लोगों ने मारा। तो आपके घर में नांग के द्वारा सब व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं, संताने बहने आदि पूर्व बुजुर्ग नांग से ही आपकी संताने खत्म हुई हैं। आपके भाई की मौड़ी को नांग ने डसा। हाँ, सही बात। आपके बच्चे को नांग ने डसा, आपके बहन को नांग ने डसा, आपके पुरखों को नांग ने डसा, और नांग नांग की कहानी चली आ रही है। मेरे भाई का लड़का 10 साल के थे, उसको नांग ने डस लिया, ऐसे रोड पे, मेन रोड पे। बहन को भी नांग ने डस लिया, सो रही थी घर में। पापा को? नहीं, पापा को नहीं। पापा को? पापा हैं अभी। उनके कक्कर दादा को? पता लगा लेना, तुम्हारे घर में नांग नांग फिर नांग, नांग के द्वारा ही घटना घट रही है। सो 5 नारियल का झूमर, 2 सोने के अष्ट धातु के बलाई, उसमें 1 ग्राम सोना हो या ना हो, टिपकी हो, 2 नांग बनवाए, मिक्स धातु के बनवाए, और अपनी पत्नी के, अपनी भाभी के, अपने बच्चों के, सबके पीठ से लेकर के पिछवाड़े के अंग से स्पर्श करते हुए पीछे की एड़ी तक लगा करके धैर्य में गाड़ देना, तुम्हारे घर में सर्प आना ही बंद हो जाएंगे। और सपेरा भी लाके आना, पेडिकल कर लेना, सपेरा से कहना सांप छोड़ दो धरी पे, और अंदर घुस जाए तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कहेगा। और बाकी क्या, डाटा समाप्त और तुम्हारी बाधा खत्म। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? गुरु जी, बड़े लड़के का बिजनेस के बारे में और उसकी शादी के बारे में पूछना है। और किसके बिजनेस के बारे में, किसकी शादी के बारे में? बड़े लड़के, नाम भी तो होगा उसका? सौरभ। और बच्ची का क्या पूछना चाहते हो उसके बारे में?
वही उसका व्यापार कैसे चलेगा और शादी के बारे में। शादी शादी तय हो गई या करने जा रहे हो? अभी कुछ नहीं किया। नहीं किया है। और पत्नी की तबीयत कैसी है? पत्नी सरदर्द रहता है। क्या नाम पत्नी का? माया यादव। पढ़िए अहरवार यादव। अच्छा आपने थोड़ा जल्दी बोला, हम समझे अहरवार। तो बात क्या दिक्कत है? आजकल तो चल रहा है ना, माता पिता और घर। हाँ बफर चल रहा है सब। चलिए बोलिए पांडू का सरकार की। सौरभ कुमार यादव की शादी शुभ होगी, वह आपकी स्त्री माया देवी का पीड़ा सिर की ठीक होगी। डॉक्टर माइग्रेन कहे या ब्रेन में रुकावट, ब्रेन सेल्स में सूजन, लेकिन जाओ आज के बाद पत्नी को दर्द नहीं होगा, आशीर्वाद है। लेकिन 14 दिन तक नींबू के छिलके को सूंघना है, सिर का दर्द नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। 14 दिन के बाद दवा सब खत्म। हनुमान जी सहायता करेंगे और हमारी गारंटी है भूत बाधा समाप्त, परिवार की उन्नति तरक्की होगी, आशीर्वाद है। और परमात्मा पे आस्था रखें। लेकिन सुबह पुष्पावती जाएंगे और पुष्पावती में ये मेरा विषय है, मानना ना मानना आपके हाथ में है, 1 kg मतलब 1 किलो शुद्ध गाय का घी पुष्पावती तट पर आप उसको तचा के गर्म करके पुष्पावती में छोड़ देना और वहीं से थोड़ा सा जल ले लेना और उसको मार्जन सिर पर लगाएं, नींबू सुगना चकाचक होगा। ये लाखों करोड़ों की दवा है, जाओ आशीर्वाद। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। आप कोई छान ले भल्ले तुम चिंता मत करना, तुम तो उसमें पुष्पावती में घृत को गर्म ज्यादा ना हो, क्योंकि जीभ जलती, तुम्हारी जलती, हमारी भी जलती, तो हमारी पुष्पावती में भी जीभ है, शीतल गरम पतला, और पुष्पावति में धार डालते रहना और नीचे से जितना जल ले पाए उतना वही जगह से ले लेना, वो चला जाए बहते कोई दिक्कत नहीं, और माथे पे लगाओ और जहां जहां भी लगाओगे वहां की पीड़ा खत्म। और ये प्रैक्टिकल कर लेना हाल के हाल, जिसको हो वो कर ले। ये हमारी पुष्पावती, ये मेरा स्वयं का विश्वास है, मानना ना मानना आपके हाथ में, ये आस्था श्रद्धा का विषय है। मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना भैया? बोलिए पंडोगर सरकार की। डाटा समाप्त। हनुमान जी कृपा करेंगे, दादाजी जाओ खुश रहो, हमारी कृपा नहीं, हनुमान जी कृपा मांगो, पंडोगर सरकार कृपा मांगो, हमारी कृपा से कुछ नहीं होता, हमारा तो प्रेम रहेगा आपके लिए कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा जुड़ी रहे।